बार ये जो एन का निशान है ये भी चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि जिस तरह से चौटाला का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन 5 सीटों पे समट कर 1 सीट पे आ जाना, ये अपने आप में गढ़ के टूटने का एक संकेत है। वैसे ये कहा जा रहा है कि इनेलो वोट ये जनता ही बीच में से ही उनके लोगों का ही कहना है कि जनता जिनको वो कहते हैं कि ये हमारे कार्यकर्ता हैं वो वोट कन्वर्ट करवा रहे हैं। तो भाई मेरा अनुरोध है कि किसी वक्त ही आपका गढ़ माना जाता रहा है तो इस गढ़ की थोड़ी सी चिंता करते हुए कम से कम अपने वोट अपनी ढोलकी में ज़रूर गिरवा लें। ठीक है। से मैं कभी भी किसी पार्टी के खिलाफ बोलती नहीं हूँ क्योंकि मेरा काम सिर्फ अपनी पार्टी की बात करना है। मेरी पार्टी ने क्या किया और मेरी पार्टी क्या करेगी, मैं सिर्फ उस पर बात करती हूँ। लेकिन अब आपका सवाल आया है तो सवाल के जवाब के रूप में आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। 2 बार पहले भी इलाहाबाद को छोड़ के चले गए और अब फिर छोड़ के चले गए, और मुझे लगता है कि अब की बार ये जो एन का निशान है ये भी चला जाएगा। कि किसी वक्त ये गढ़ हुआ करता था, किसी वक्त माना जाता था, अब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस गढ़ को तोड़ना जितना जनता ने ज़रूरी समझा उतना इन्होंने खुद ने भी ज़रूरी समझ लिया कि हमें इस गढ़ को तोड़ देना चाहिए, और उन्होंने खुद ही तोड़ दिया। परिवारवाद जो इनके अंदर सबसे ज़्यादा हावी हुआ, और उसके बाद अब जो 2 बार पहले भी इलाहाबाद को छोड़ के चले गए और अब फिर छोड़ के चले, विपक्ष की आप नामांकन में ही देख लीजिए कौन आया शैलजा जी के नामांकन में, और हमारे आप बैनर उठा के देखिए, हमारे केंद्र से लेकर जिले स्तर के सभी नेताओं के फोटो आपको बैनर के अंदर मिलेंगे, और जरा उनका बैनर देखिए, उनके प्रदेश अध्यक्ष की फोटो गायब है, उनके स्थानीय नेताओं की फोटो गायब है, और एक तरफ अगर एक गुट आ जाए तो दूसरा गुट वहां कभी नहीं जाता। तो बीजेपी में ये चर्चा क्यों चल रही है कि मजा आ जाए, एक रैली हुड्डा साहब भी कर देते हैं यहां पर आकर? ऐसा है, हम तो कह रहे हैं जी आए मोस्ट वेलकम, हम तो चाह रहे हैं कि आओ तो सही, आप एक बार देखो तो सही आके कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का कितना पागलपन है। बारी शैलजा ने ये बयान दिया है कि मेरा डर, कांग्रेस का डर सिरसा में इतना है कि घबराई हुई बीजेपी यहीं पर रैलियां कर रही है और रैलियों में इनके लोग नहीं जुट रहे हैं, भीड़ नहीं आ रही, आप उसको रैली बता रहे हैं? आपके माध्यम से शायद हो सकता है कई बार नज़र थोड़ी कमज़ोर हो जाती है, तो मुझे लगता है उनकी नज़र थोड़ी सी कमज़ोर हो गई है। आपके माध्यम से ही एक बात कहना चाहूँगी कि ये जो आज आपने कवरेज करी होगी तो जब आप उनसे मिले तो कृपया ये कवरेज दिखाएं उनको कि ये क्या है। ये कोई अम्बाड़ा से लाए हुए व्यक्ति नहीं है, और उनके साथ देख लीजिए, मैं सिर्फ आपके माध्यम से, बाकी सारी बातों को छोड़ दीजिए, विकास के मामले में वो हमारे साथ बैठ के डिबेट कर ले, हम तैयार हैं। उनका प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन होगा? मेरी आपके माध्यम से, आप जनता की आवाज हैं, जनता सारा दिन आपको देखती है, आपके माध्यम से मेरा उनसे सवाल है कि कृपया वो ये बताएं कि उनका प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन होगा। पहले बीजेपी ये तय करे कि उनका मुख्यमंत्री कौन है। वो अक्सर अपनी जनसभाओं में लोगों से पूछ रही है कि भाई बताइए मुख्यमंत्री, और वो कहते हैं कि लोग कहते हैं कौन सा छोटे वाला या बड़े वाला या कौन सा सीएम, तो वो कहते हैं बीजेपी चक्कर में है कि उनका मुख्यमंत्री कौन है। शायद वो भूल गई हैं कि वो विधानसभा का चुनाव में नहीं है, वो लोकसभा के चुनाव में हैं। थोड़ी याददाश्त उनकी कमज़ोर हो गई है। ये चुनाव प्रधानमंत्री का चुनाव है भाई, मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं है। माध्यम से एक बात पूछना चाहूँगी कि आप पूरी लोकसभा में घूमिए, आपको एक भी पत्थर शैलजा के नाम का नहीं मिलेगा। क्या उनके बाप दादा और वो 3-3 बार एमपी रह लिए? क्या 3 बार जिस स्थान से उनको एमपी चुना गया वहाँ उनका दायित्व नहीं बढ़ता था एक घर बना लें? नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। सिरसा लोकसभा में बीजेपी लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है और लगातार बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर के चुनावी कैंपेन में ताकत झोंक रही है। इस वक्त मेरे साथ सिरसा से बीजेपी की जिलाध्यक्ष निताशा राकेश सिहाग हमारे साथ हैं, और इस पूरे कार्यक्रमों में लगातार उनकी बहुत अग्रणी भूमिका रहती है। मैडम, सबसे पहले तेज रैना पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।
मैडम, आज हम उसी रैली के मंच पर हैं जहां से आपने माधव सिंघाना से एक बहुत बड़ी रैली आज पूर्व सीएम ने आयोजित की है। सबसे पहली प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा, आज की रैली पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कैसे देखते हैं, कितनी प्रभावशाली, और वो भी INLD अभय चौटाला के गढ़ में से आपकी। ऐसा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का प्रेम, प्यार और स्नेह है, वो देखते ही बनता है। चाहे हम बात करें इलाहाबाद की, चाहे हम बात करें अन्य किसी भी विधानसभा की, तो आपने रैलियों के अंदर देखा होगा कि जनसभा के अंदर जितने भी लोग आए हैं, उनका जो प्रेम, प्यार और स्नेह भारतीय जनता पार्टी के प्रति दिख रहा है, ये इस बात को तय कर रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी NDA की सरकार 400 पार, ये जो नारा है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी का नारा नहीं है, ये देश के ऐसी व्यवस्थाओं को जो आज जनता बदलना चाहती है, उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी जो NDA की सरकार है वो 400 पार जाए। और जितने भी परिवार के सदस्य के नाते यहाँ पूरे परिवार की, पूरे प्रदेश की जनता जो प्रेम, प्यार, स्नेह लुटा रही है, वो इस बात को चरितार्थ कर रही है कि अब की बार NDA 400 पार जाएगा ही जाएगा। और जहाँ तक आपने बात करी गढ़ की, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा जो ये सिरसा जिला रहा है, हमेशा से ये चौटाला का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन 5 सीटों पे समट कर 1 सीट पे आ जाना, ये अपने आप में गढ़ के टूटने का एक संकेत है। वैसे मैं कभी भी किसी पार्टी के खिलाफ बोलती नहीं हूँ, क्योंकि मेरा काम सिर्फ अपनी पार्टी की बात करना है, मेरी पार्टी ने क्या किया और मेरी पार्टी क्या करेगी, मैं सिर्फ उस पर बात करती हूँ। लेकिन अब आपका सवाल आया है, तो सवाल के जवाब के रूप में आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि किसी वक्त ये गढ़ हुआ करता था, किसी वक्त माना जाता था, अब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस गढ़ को तोड़ना जितना जनता ने ज़रूरी समझा, उतना इन्होंने खुद ने भी ज़रूरी समझ लिया कि हमें इस गढ़ को तोड़ देना चाहिए, और उन्होंने खुद ही तोड़ दिया। परिवारवाद जो इनके अंदर सबसे ज़्यादा हावी हुआ, और उसके बाद अब जो दो बार पहले भी इलाहाबाद को छोड़ के चले गए और अब फिर छोड़ के चले गए, और मुझे लगता है कि अब की बार ये जो N का निशान है ये भी चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि इनेलो वोट, ये जनता ही बीच में से ही, उनके लोगों का ही कहना है कि जनता, जिनको वो कहते हैं कि ये हमारे कार्यकर्ता हैं, वो वोट कन्वर्ट करवा रहे हैं। तो भाई, मेरा अनुरोध है कि किसी वक्त ही आपका गढ़ माना जाता रहा है, तो इस गढ़ की थोड़ी सी चिंता करते हुए कम से कम अपने वोट अपनी ढोलकी में जरूर गिरवा लें। ठीक है। मैडम, कैसे देखते हैं आप संगठन में जुड़कर, लगातार आपका BJP का संगठन है, वो लगातार कैंडिडेट को लेकर प्रचार कर रहा है, प्रसार आप कर रहे हैं। अब तक रानिया की बात करें, कालावाले की बात करें, इलाहाबाद और डवाले की बात करें, इन रैलियों का कितना बड़ा असर आपको देखने को लग रहा है, कितना व्यवहारिक लगता है आपको अब ऐसे माहौल में कहना कि BJP 400 पार जा रही है, जब आप इतनी बड़ी रैलियाँ करवा रहे हैं? जब से हमारे कैंडिडेट की घोषणा हुई है, तब से लेके आज तक, अगर आप गिनती गिनने बैठ जाएं, तो आप गिन नहीं पाएंगे इतने अनगिनत बड़े बड़े आयोजन भारतीय जनता पार्टी द्वारा, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा अपने कैंडिडेट के समर्थन में किए गए हैं। चाहे उनका बड़ा भव्य रोड शो हो, 5 विधानसभाओं में कार्यकर्ताओं के साथ उनका मिलना हो, महिला मोर्चा के निरंतर मैराथन्स हों, युवा मोर्चाओं की युवा मैराथन्स हों, युवा बाइक रैली हों, किसान मोर्चे के कार्यक्रम हो, BC समाज का कार्यक्रम, SC समाज के कार्यक्रम, ऐसे अनगिनत कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ लग के, पूरे भारतीय जनता पार्टी का परिवार एक साथ। और वहीं अगर हम बात करें विपक्ष की, आप नामांकन में ही देख लीजिए कौन आया शैलजा जी के नामांकन में, और हमारे, आप बैनर उठा के देखिए, हमारे केंद्र से लेकर जिले स्तर के सभी नेताओं के फोटो आपको बैनर के अंदर मिलेंगे, और जरा उनका बैनर देखिए, उनके प्रदेश अध्यक्ष की फोटो गायब है, उनके स्थानीय नेताओं की फोटो गायब है, और एक तरफ अगर एक गुट आ जाए तो दूसरा गुट वहां कभी नहीं जाता। तो BJP में ये चर्चा क्यों चल रही है कि मजा आ जाए, एक रैली हुड्डा साहब भी कर देते हैं यहाँ पर आकर? ऐसा है, हम तो कह रहे हैं जी आए, मोस्ट वेलकम।
हम तो चाह रहे हैं कि आओ तो सही, आप एक बार देखो तो सही आके कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का कितना पागलपन है। लोगों का पागलपन ऐसे ही नहीं है, बिना खर्ची बिना पर्ची जब एक परिवार का बच्चा नौकरी लगता है, उस माँ बाप का उस बेटे का पागलपन है, जिस महिला को छत मिली उस महिला का पागलपन है, जिस महिला को ड्रोन दीदी के नाम से आज एक नई पहचान मिली उस महिला का पागलपन है, जिस युवा को आगे बढ़ने का मौका मिला उसको नौकरी मिली उसको काम करने के लिए लोन मिला उस युवा का पागलपन है। ठीक है, मगर कुमारी शैलजा ने ये बयान दिया है कि मेरा डर, कांग्रेस का डर सिरसा में इतना है कि घबराई हुई बीजेपी यहीं पर रैलियां कर रही है, रैलियों में इनके लोग नहीं जुट रहे हैं, भीड़ नहीं आ रही, आप उसको रैली बता रहे हैं। आपके माध्यम से शायद हो सकता है कई बार नज़र थोड़ी कमज़ोर हो जाती है, तो मुझे लगता है उनकी नज़र थोड़ी सी कमज़ोर हो गई है। आपके माध्यम से ही एक बात कहना चाहूँगी कि ये जो आज आपने कवरेज करी होगी, तो जब आप उनसे मिले तो कृपया ये कवरेज दिखाएं उनको कि ये क्या है, ये कोई अम्बाड़ा से लाए हुए व्यक्ति नहीं है, ये कोई दिल्ली के साथ उनकी तरह उनके साथ चल रहे व्यक्ति नहीं है, ये लोकल उसी विधानसभा के उसी एरिए के लोग हैं जो अपनी मर्जी से यहाँ हजारों की संख्या में आते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का प्रेम है और उनके साथ देख लीजिए, मैं सिर्फ आपके माध्यम से, बाकी सारी बातों को छोड़ दीजिए, विकास के मामले में वो हमारे साथ बैठ के डिबेट कर ले, हम तैयार हैं। उनका प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन होगा, मेरी आपके माध्यम से, आप जनता की आवाज हैं, जनता सारा दिन आपको देखती है, आपके माध्यम से मेरा उनसे सवाल है कि कृपया वो ये बताएं कि उनका प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन होगा, और जो एनडीए की सरकार है उसने प्रधानमंत्री तो डिक्लेयर कर दिया, और आ रही है जो इंडी गठबंधन है, क्या इंडी गठबंधन जनता को बताएगा क्या उनका प्रधानमंत्री कौन होगा, उनके पास कोई नाम नहीं है। एक तरफ कहते हैं हम सरकार बनाएंगे, अरे भाई सरकार बनाने के लिए पहले पूर्ण बहुमत के लिए लड़ाई तो लड़ लो, 273 सीटें चाहिए लड़ाई के लिए, सरकार बनाने के लिए चुनाव आप लड़ रहे हैं 230 सीटों पे, तो कैसे बनाएंगे सरकार, खिचड़ी बनाएंगे क्या। मगर अभी कुमारी शैलजा अपने जनसभाओं में ये भी पूछ रही है लोगों से, और उन्होंने ये आरोप भी जड़ा है कि पहले बीजेपी ये तय करे कि उनका मुख्यमंत्री कौन है, वो अक्सर अपनी जनसभाओं में लोगों से पूछ रही है कि भाई बताइए मुख्यमंत्री, और वो कहते हैं कि लोग कहते हैं कौन सा छोटे वाला या बड़े वाला या कौन सा सीएम, तो वो कहते हैं बीजेपी चक्कर में है कि उनका मुख्यमंत्री कौन है। शायद वो भूल गई हैं कि वो विधानसभा का चुनाव में नहीं है, वो लोकसभा के चुनाव में हैं, थोड़ी याददाश्त उनकी कमज़ोर हो गई है। ये चुनाव प्रधानमंत्री का चुनाव है भाई, मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं है, ये चुनाव देश प्रधानमंत्री चुनेगा। प्रधानमंत्री के नाते हमारे चेहरा स्पष्ट है, नरेंद्र मोदी, वो अपना चेहरा स्पष्ट करें। और बात करती हैं, वो कहती हैं कि जी सिरसा मेरा परिवार है, परिवार उनसे एक सवाल पूछना चाहता है कि 26 सालों में आपको परिवार याद नहीं आया, आपको सिरसा ने जिताया, आपने सिरसा के लिए क्या किया। आपके माध्यम से एक बात पूछना चाहूंगी कि आप पूरी लोकसभा में घूमिए, आपको एक भी पत्थर शैलजा के नाम का नहीं मिलेगा, क्या उनके बाप दादा और वो तीन तीन बार एमपी रह लिए, क्या तीन बार जिस स्थान से उनको एमपी चुना गया वहाँ उनका दायित्व नहीं बढ़ता था एक घर बना लें, क्या वो बता सकती हैं जनता को, सिरसा की जनता पूछ रही है उनसे उनका घर कहाँ है, सिरसा की जनता को अगर मिलना हो तो कहाँ आके मिले। अम्बाड़ा से मेरे पास फोन आए, क्या बहन जी सिर्फ सिरसा की जनता नहीं पूछ रही, अम्बाड़ा वाले भी पूछ रहे हैं कि अगर उनसे मिलना हो, वो यहाँ से वो चुनाव लड़ी और वो एमपी बनी तो वो रहती अम्बाड़ा में भी नहीं है, उनको मिलने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। और भाई हमारे सिरसा की बड़ी गरीब जनता है और बड़े साधारण से लोग हैं और हमारे बड़े छोटे छोटे से काम हैं, इन कामों के लिए हमारे पास इतना जुगाड़ नहीं है कि हम दिल्ली पहुंचे। हमारे लिए तो डॉक्टर अशोक तंवर जैसे कैंडिडेट ठीक हैं, जिन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा तब अपना सिरसा के अंदर स्थाई पता दिया, तब से लेके आज तक उनका स्थाई पता सिरसा के अंदर रहा है। ठीक है, अभी मैडम आपसे सवाल ये है कि क्या अभी बहुत कम समय बचा है, क्या आने वाले दिनों में कोई बड़ी रैली, कोई केंद्रीय मंत्री या फिर प्रधानमंत्री मोदी के आ सकते हैं, या कोई और बड़ा केंद्र का नेता, कोई स्टार प्रचारक दिखेगा आने वाले?
डेफिनेटली सिरसा के अंदर भी हमारे जो स्टार प्रचारक हैं उनकी रैलियां रहेंगी, हमारे बड़े नेताओं की रैलियां रहेंगी, क्योंकि अभी चार चरण के चुनाव समाप्त हो चुके हैं, तो उस नाते से जिस जिस तरह से हमें लगता है कि यहाँ आना चाहिए, तो उस हिसाब से बड़े नेताओं की रैलियां डेफिनेटली सिरसा के अंदर रहने वाली हैं। मैडम, कितने आश्वस्त हैं आप अपने कैंडिडेट की जीत को लेकर? कैसा माहौल, कैसी हवा राजनीति की लग रही है? क्योंकि मुख्यमंत्री कह रहे थे कि एक तरफ गर्मी का पारा है, दूसरी तरफ चुनाव की गर्मी भी है। गर्मी ही गर्मी को मारती है, ये जो चुनाव की गर्मी है और जो लोगों के अंदर, लोगों के दिलों में जो देश प्रेम की गर्मी है, वो अब की बार ये तय कर चुकी है। 400 पार तो जाना है, ये मैं नहीं कहती, ये उन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा है कि जाएंगे तो ये 400 पार, और उसमें हमारी सिरसा की गर्मी ये कहती है कि हमें हमारी गर्मजोशी के साथ हमारा एक एक वोट कमल के निशान को जाएगा, और जो पिछला हमारा मार्जिन 3,15,000 था, तो अब की बार डबल होके हमारे प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर डेफिनेटली 70% हमारी 10 की 10 लोकसभा की सीटें अब की बार दोबारा फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी की झोली में जाएंगी ही जाएंगी, और 11वां एक फूल और खिलेगा हमारा करनाल से, क्योंकि हमारे नायब सिंह सैनी जी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो अब की बार 10 नहीं, हरियाणा के अंदर 11 कमल फूल खिलने जा रहे हैं। ठीक है मैडम, आपने वक्त निकाला, बहुत बिजी शेड्यूल, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी से जिलाध्यक्ष नीताशा राकेश सिहाग, जो बातचीत कर रहे थे। बहुत मनोबल उनका ऊंचा दिख रहा है, बहुत आश्वस्त नज़र आ रहे हैं, और उन्होंने कई सारे सवाल वो कांग्रेस प्रत्याशी से भी पूछ लिए हैं। लेकिन आज की रैली कितना असर ना सिर्फ इस बॉर्डर इलाके एलनाबाद से लेकर, लेकिन सिरसा की नौ लोकसभा विधानसभाओं में, नौ की नौ में कितना असर छोड़ पाती है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। और कितना दम बीजेपी के 400 पार के नारे में है, ये भी आने वाली 25 मई को हरियाणा की जनता तय करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, एलनाबाद।